आपको अपनी वैल्यू तब समझ में आती है जब लोग आपके पीठ पीछे बुराई करना चालू कर दे या फिर अच्छी बात करना चालू कर दे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और वो भी कब? जब आप नेशनल टेलीविजन के सामने हो। अब देखो, पुनीत एग्जिट हो गया घर से बाहर। अब उसमें एक चीज जो होती है खराब, वो मुझे सबसे ज्यादा लगी है कि अब उसके घर से निकलने के बाद उसके लोग पीठ पीछे जो बुराई कर रहे हैं। अब जब वो बाहर निकल रहा था तो 3 लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे और बाकी के जो मेंबर्स थे वो उसके अगेंस्ट थे। अब उसके जाने के बाद जिया शंकर वो कहती हैं कि वो एक टट्टी है। ऐसा मत करो मेरी जान। अब आप खुद सोच के देखिए कि वो कौन है जो पुनीत को ऐसे जज कर रही हैं कि बिग बॉस में आके वो अपने आप को ऐसा कूल समझ रही हैं। अब उनको ये नहीं पता कि बिग बॉस के जो जज हैं वो यहाँ पे आम पब्लिक है, जो कि वो यहाँ पे डिसाइड करेगी कि आगे और कौन मूव ऑन करेगा। अब देखिए, बिग बॉस का यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा गेम था। क्यों पुनीत को बाहर निकाला गया, इसमें बिग बॉस का बहुत ही बड़ा गेम है। देखिए, लोग आपको कैसे जज करते हैं डिपेंड करता है कि इंसान के पास कितना पैसा है। अगर इसके पास अच्छा पैसा है तो लोग आपको आपके कैरेक्टर से जज करते हैं, और अगर आपके पास अच्छे पैसा नहीं है तो लोग आपको आपके काम से जज करते हैं। अब देखिए, पुनीत का जो काम है वो थोड़ा सा क्रिंजी है, पर ठीक है, ठीक है, वो इंटरटेन करता है लोगों को। एंड स्टिल आई विल से कि उसकी जो आवाज़ है मुझे चुभती है, बट हाँ, ठीक है। बट अगर आपने एक बात नोटिस की होगी कि कल जब बिग बॉस से वो बाहर आता है, मेरे ख्याल से उसके बाद किसी ने बिग बॉस तो देखा ही नहीं। मोस्टली लोग यहाँ पे बिग बॉस इसलिए देख रहे थे कि पुनीत सुपरस्टार गया है, और जब जब वो स्क्रीन से बाहर आ रहा था, मतलब कि अगर आप देख रहे थे कि वो ऑफ स्क्रीन हो रहा था, कैमरा उस पर नहीं था, तो लोग वही सोच रहे थे कि पुनीत कहाँ है, पुनीत कहाँ है, पुनीत को वापस लाओ। और जब वो वहां से बाहर निकला है तो ये कहो कि मन ही नहीं कर रहा था बिग बॉस देखने का। एक पूरा का पूरा इंटरटेनमेंट ही गायब हो गया बिग बॉस के अंदर से। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी है जो बिग बॉस यहाँ पे खेल रहा है। अब देखिए, लोग आपको कैसे जज करते हैं। अब देखिए, जो पुनीत का काम था, आई नो थोड़ा क्रिंजी था, वो उसका एक रोजी रोटी है, वो उस तरीके से पैसा कमाता है, उसी पॉपुलैरिटी से वो आज बिग बॉस तक आ चुका है। अब देखिए, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, बिग बॉस हम लोग क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। लोगों की एक असली जो पर्सनैलिटी होती है, जो हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ये देखो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जो लोगों की असली पहचान बाहर आती है बिग बॉस के थ्रू, तो अब ये होता है कि आपने सिद्धार्थ शुक्ला देखा होगा कि कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, मतलब उसके जाने के बाद भी आज भी लोग उसे याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? उसके कैरेक्टर की वजह से। एक मतलब कि वो जैसा था वैसा ही एंड तक रहा है। आपने कितने बार देखा, मतलब कि बिग बॉस 13 में आपने देखा होगा कि कितने लोगों का कैरेक्टर चेंज हुआ, लोग झूठा मक्कार सब कुछ कहें, बट उसके ऊपर ऐसा एक भी एलिगेशंस नहीं लगा जिसको वो एक्सेप्ट करता था, और सबको उसने डिफेंड किया, सबको उसने क्लैरिफिकेशन भी दिया। सेम चीज अगर आप देख रहे हो, उसमें भी वहां पे सारे के सारे मेंबर्स सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट थे, और इस बार भी अगर आप देख रहे हो तो पुनीत के अगेंस्ट है। यहाँ पे सेम चीज पुनीत के साथ भी है। अगर आप देख रहे हो, वो आते ही उसने वही कहा कि जो मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देख रहे हो कि जैसा वो था वैसा ही रहा, पहला पॉइंट, ठीक है, चाहे आपने सलमान खान ने भी बोला, उसने वही चीज उसके मुंह पे भी बोला। सेकंड थिंग अगर आप देख रहे हो, एमसी स्टैन ने उसको बोला कि काफी इसका जो कंटेंट रहता है वो क्रिंज है, उसने फिर से वही उसके मुंह पे बोला कि मैं किसी की कॉपी नहीं करता, उसके मुंह पे जवाब दिया, एमसी स्टैंड का वहां पे मुंह उतर गया। उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि मैं किसी की कॉपी नहीं करता, मतलब कि एमसी स्टैंड भी किसी की कॉपी करता है, आपको पता है, गाने वगैरह या फिर गाने का स्टाइल वगैरह, जिसे भी वो अपना एक आइडल मानता है। बट अगर आप देख रहे हो कि पुनीत का जो एक स्टाइल है वो यूनिक है, वो अपने दम पे ऊपर आया है बिना किसी को कॉपी किए, खुद का उसका एक लेवल है जिस वजह से वो आज बिग बॉस पे आया है। अब 4 चीजें आपने नोटिस की, किसी के साथ मिसबिहेव किया उसने फालतू का नहीं, वो आया ठीक है टूथपेस्ट वगैरह लगाया, बट किसी के साथ नहीं किया। फर्स्ट पहला, अब किसी के साथ अब्यूजिव बिहेवियर नहीं था उसका, किसी को गाली गलौच नहीं दी, वैसे वो देता रहता है अपने वीडियो में, आपने देखा होगा, बट उसने नहीं दिया, वैसा कुछ नहीं किया, ठीक है। भले ही वो हम लोगों को एंटरटेन कर रहा था ऐसा थ्रू अगर देखा जाए, उसको पता है कि उसकी पब्लिक वहां पर उसको देखने आएगी। अब पता है लोगों को कि अगर पुनीत गया है तो बैंड बजा के आएगा, और हाँ, पहले दिन के अंदर ही उसने बैंड बजाया बिग बॉस की भी और वहां के मेंबर्स की भी, किसी के सामने। तीसरा चीज, किसी के सामने झुका नहीं, चाहे जितने भी बड़े वहां पे स्टार थे, चाहे कुछ भी अपने आप को वो लगाते थे, जो भी अपने आप को कूल मानते थे, किसी के सामने वो झुका नहीं।
सबसे बड़ी चीज, कोई भी एलिगेशंस पे उसने अपॉलोजी नहीं मांगी। जब साइरस उसे कह रहा था कि यार तुम बिग बॉस से कैसे बात कर रहे हो, माफी मांगो ये वो वगैरह करके, उसने कहा कि मैं नहीं माफी मांगूंगा, सिंपल सा फंडा है, साफ मुंह पे बोला उसने। अब यही चीज तो एंटरटेन कर रही है लोगों को यार, कि अच्छा लगा देख के, ठीक है कि हाँ ऐसा कोई बंदा आया जो कि निडर है, ये नहीं कि मुझसे ट्रॉफी 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 जीतना ही जीतना है, तो इज्जत करो फालतू की, वो जो फेक जो होता है कुछ नहीं, जो असली है उसने वही असलीपन दिखाया सबके सामने। अब आते हैं असली गेम पे जो बिग बॉस यहाँ पे खेल रहा है। बिग बॉस का क्या गेम है देखो, अब अगर पुनीत आके, सब लोग पुनीत के अगेंस्ट हो जाते हैं अगर पुनीत ऐसे ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब बिग बॉस की पहला जो गेम होता है, जो पहला स्टेप होता है जब भी एंट्री होती है, तो वो आते ही दो लोगों के बीच में दीवार खड़ा करता है, दो टीम बनाता है, दो टीम बनेगी तभी यहाँ पे गेम होगा। अब इससे क्या हुआ था कि पुनीत जब आया था सारे घर वाले उसके अगेंस्ट थे, अब अगर कोई टीम का यहाँ पे कुछ होता तो वो टीम नहीं बना पाते, सब लोग एक ही तरफ हो जाते और पुनीत अलग हो जाता। अब जब पुनीत को घर से बाहर निकाला, आपने एक बात नोटिस की कि तीन लोग उसके साथ खड़े थे, ठीक है, अब बाकी के वो अलग चले गए, मतलब उन्होंने चांस दिया कि नहीं पुनीत अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ला सकता है। वैसे कोई चेंजेस लाने की कोई जरूरत नहीं थी, जो जैसा है वो वैसा सही था। अब देखो बिग बॉस है तो भाई वो बिग बॉस में ऐसे लड़ाई तो चलने नहीं देगा, बिग बॉस के जो सारे स्टेप है वो गेम वगैरह सब कुछ होगा स्टेप बाय स्टेप करके। अब उसने जो डिवाइड एंड रूल करके स्ट्रेटेजी जो लगाई यहाँ पे कि पुनीत को बाहर निकालो और उसकी अगर वापस एंट्री होगी तो उसको ये पता चल जाएगा कि तीन चार लोग उसके साथ खड़े हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, एक उनका ग्रुप अलग बन गया। तो पुनीत के साथ जो हमेशा तीन से चार लोग हमेशा बैठ रहे थे, ये लग रहा था कि हाँ वो पुनीत के साथ हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते बट हाँ ये लग रहा था कि पुनीत के साथ वो लोग खड़े हैं, और इसी वजह से वहां पर उनको डिवाइड किया गया। आई थिंक, मुझे लगता है कि पुनीत को वापस लाया जाएगा, क्योंकि जब बिग बॉस ने पूछा था कि किसको किसको इससे दिक्कत है, तो चार लोग खड़े थे तो वो एडजस्ट कर रहे थे, मतलब कि जो पांच छह सात और बाकी मेंबर्स थे वो अपने आप को ज्यादा कूल बन रहे थे। अब पब्लिक यहाँ पे क्या कर सकती है पुनीत के लिए, अभी तक पुनीत करते हुए आ रहा था, हम लोगों को एंटरटेन करते हुए आ रहा था, अब अपने अपने सोशल मीडिया पे ये तीन हैशटैग को नीचे लगाना है, जो आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, उसको जाके पोस्ट कीजिए। फॉलोअर्स उसकी पब्लिक है जो उसने गेन की है, वो ये चाहती है कि बिग बॉस के अंदर उसकी वापस एंट्री हो, वरना यहाँ पे कोई भी बिग बॉस नहीं देखेगा। आपको क्या लगता है कि पुनीत स्टार की वापसी होने वाली है या नहीं होने वाली है, बट स्टिल उसकी आवाज मुझे चुभती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके इनकरेज करेगा, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।